साथियों, अब हम थोड़ा सा हरियाणा के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में। और अपने बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मंगत राम शास्त्री जी ने कहा कि इसके लिए जिगरा चाहिए। हम आम तौर पर अपने बारे में बताते कम, छिपाते ज़्यादा है। बल्कि बहुत सारे प्रयास करते हैं हम वैसे नज़र ना आए जैसे कि हम हैं। हम आईना भी अकेले में देखते हैं। लेकिन करमचंद केसर जी ने एक बात कही कि कह दूं क्या, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसके पीछे ये जरूर लगा दे, कह दूं क्या। देखिए, हरियाणा जो है 1966 में एक पृथक राज्य के रूप में बना और छोटे से जीवन काल में बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरा है। गतिशील, जिसको या अंग्रेजी में डायनामिक स्टेट कहते हैं, वो रहा है। 1966 में जब पृथक राज्य के रूप में इसका गठन किया गया तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये राज्य क्या अपने पांव पे खड़ा हो पाएगा, यहाँ तक कि क्या ये अपने लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन भी कर पाएगा। इन सब आशंकाओं को झुठलाते हुए, दरकिनार करते हुए हरियाणा ने हर क्षेत्र में कीर्ति के नए आयाम स्थापित किए। जो वर्तमान जनरेशन है उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हरियाणा देश का पहला राज्य था जिसने अपने हर कस्बे में, हर गांव में पानी, बिजली, सड़क पहुँचाई। यानी कुछ इलाकों से हरियाणा आज 50 साल आगे है जहाँ ये सुविधाएं आज नहीं हैं। हम अरे क्रांति का प्रमुख केंद्र बने और ना केवल अपने लिए खाद्यान्न का उत्पादन किया बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उद्योगिक क्षेत्र में हमने पहचान बनाई, कृषि मशीनरी या उपकरण बनाने में हम देश के अन्य राज्यों के साथ, अग्रणी राज्यों के साथ खड़े हैं। हम ऑटो सेक्टर के लीडर हैं। जितनी कार या दुपहिया वाहन हरियाणा में बनते हैं देश के और किसी राज्य में नहीं बनते हैं। हमारी अम्बाला और रेवाड़ी की फर्म जो है इसरो के लिए उपकरण बना रही है। हमारे इंजीनियर्स या मैनेजर जो है देश विदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सूचना क्रांति का भी हिस्सा रहे और जो आईटी टेक्नोलॉजी है उसके विकास और प्रसार में हमारी भूमिका रही। यानी कुल मिलाकर के आर्थिक क्षेत्र में हम एक मॉडल के रूप में उभरे और आज हम देश का सबसे रिचेस्ट स्टेट हैं। पर कैपिटा इनकम के लिहाज से हरियाणा सबसे धनाढ्य स्टेट है। आज हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम है दिल्ली और गोवा को छोड़ के, जो छोटे राज्य हैं। अगर बड़े राज्यों के साथ तुलना करें तो हमारी पर कैपिटा इनकम देश के अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा है। हम खेल शक्ति के रूप में उभरे। हमारे युवा और युवतियों ने नई कीर्तिमान स्थापित की, अपनी पहचान बनाई। ये साबित किया कि जो असली एम्पावरमेंट है वो अंदर से आती है।
यानी कि अपनी योग्यता और क्षमताओं को पहचानना, उनको विकसित करने ही वास्तविक सशक्तिकरण है। इस बदलाव का एक दूसरा पक्ष भी है। हमारा जो ये आर्थिक विकास रहा, ये समावेशी नहीं रहा, इसके लाभ जो हैं विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न वर्गों को समान रूप से नहीं बढ़ते, जिससे असंतोष और तनाव आ रहा। वैसे तो तनाव जो है हर परिवर्तन में होता है, चाहे वो अच्छे के लिए हो बुरे हो, लेकिन ये बुरे के लिए तनाव हुआ। अपराधीकरण बढ़ा। आज हरियाणा में हर रोज 11 अपहरण की घटनाएं घटती हैं, 3 हत्याएं होती हैं, 5 रेप होते हैं। महिलाओं के मामले में हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य है। हमारा युवा नशे की लत में आ गया है, यानी जो उड़ता पंजाब है उसके बगल में एक बिगड़ता हरियाणा भी है। नैतिकता का ह्रास हुआ है। उदारीकरण के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी और एक मिडिल क्लास का तेजी से विकास हुआ। खुली अर्थव्यवस्था अपनाई गई, जिसमें देश विदेश के नई नई वस्तुएं, ब्रांडेड वस्तुएं आई और उपभोग संस्कृति का आगाज हुआ, उसका प्रसार हुआ। उपभोग हमारी हैसियत का, हमारी प्रतिष्ठा का मापदंड बन गया। शॉपिंग मॉल्स, जिम खाने या क्लब, रेस्टोरेंट, ये नए नए स्थल बने। हम अपना जन्मदिन जो है होटल में मनाने लगे, केक भी बाहर से आने लगे और शादियाँ जो हैं वो वेडिंग प्लेस में होने लगी। तो ये जो उपभोग की संस्कृति है, आप जानते हैं इसमें उचित अनुचित कुछ नहीं होता, ये मौज मस्ती की संस्कृति है। इसकी जो बुनियाद है वो अश्लील विज्ञापनों पे, झूठे प्रचार और भ्रामक प्रचार पर टिकी हुई होती है। इन सब बातों ने हमारे आचरण को, हमारे मूल्यों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। आज हम हरियाणा दो तरह का हरियाणा देखते हैं। एक आधुनिक हरियाणा है, एक ग्रेट डिवीजन है, एक सांस्कृतिक जो डिवीजन है, सांस्कृतिक विभाजन देखने में आ रहा है। एक तरफ आधुनिक हरियाणा है जिसके पास संस्कृति के नाम पर ये कंज्यूमर संस्कृति है, व्यवहारिक हरियाणा है जो परिणामों में विश्वास रखता है, वो रिजल्ट चाहता है, कानून से थोड़ा बहुत घबराता है लेकिन उचित अनुचित को कोई भेद नहीं करता है, एक तरह की यांत्रिक विवेकशीलता है उसमें। दूसरी तरफ शास्त्री जी का और केसर जी का हरियाणा है जिसके पास विरासत है, मूल्य हैं, बेबाकी भी हैं, जिसके पास अपनी बोली है, जो अपनी संस्कृति जी रहा है, अपने विरोधाभासों से भी घिरा हुआ है, वो असहज भी है
बदलना भी चाह रहा है। आज इन दोनों हरियाणाओं के बीच एक संवाद की जरूरत है, एक सांझी जमीन टटोलने की जरूरत है, ताकि एक हरियाणा की एकीकृत और स्वस्थ संस्कृति का निर्माण हो सके। और ये कार्य जो है सृजन कार्य कर सकते हैं जो यहाँ बैठे हैं, तो इसकी दरकरार है। मैं थोड़ा सा एक और बात की ओर भी ले जाकर के अपनी बात समाप्त करूँगा। हमने एक पॉलिटिकल मॉडल भी दिया डेमोक्रेसी का। हमारा विकास का जो मॉडल है वो तो दूसरों ने इस तरह से स्वीकार नहीं किया, अपना नहीं, लेकिन जो डेमोक्रेसी का बिगड़ा हुआ मॉडल है वो सभी स्टेट्स ने उसका अनुकरण किया है। ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि भाई हरियाणा से ही आया गया राम की संस्कृति पैदा हुई, एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने 5 दिवाली के दिन में पार्टी बदली। तो ये जो कोरोना है आज सारे देश में फैल गया। यानी पार्टी की मेंबरशिप ऐसी होगी कि भाई जैसे शेयर खरीदते हैं कि कौन सी पार्टी के शेयर का भाव बढ़ रहा है उधर चले जाते हैं, उसका शेयर का भाव कम हो जाता है तो दूसरी ओर चले जाते हैं। दूसरा जो है जो रिजोर्ट की यानी कि भार दर्शन की जो संस्कृति थी वो भी यहाँ हरियाणा से शुरू हुई, जब एक पार्टी के नेता जो सारे MLA को बैठा करके और किसी भार दर्शन पर चले गए और बस पे लिखा था शंकर वैद्य देवी। तो ये जो रिजोर्ट की संस्कृति है इसका भी चल यहीं से हुआ। एक और बात जो हरियाणा से निकली है वो जात पात की बात है, यानी कि जाति जो है एक राजनीतिक इकाई बनी। 50s के अंदर जब नेहरू जी थे तो उन्होंने कहा कि ये जो जात पात है ये तो एंटी डेमोक्रेसी है, लेकिन साम्यवादी और ये समाजवाद विचारधारा से प्रभावित थे, उनको समझा कि ये औद्योगिकरण के साथ जो है जब लोग इकट्ठा मिलेंगे घोले मिलेंगे तो ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। BJP इसको दूसरे तरीके से देखती है, वो तो कहती है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो सभी हिंदू हैं, छुआ छात कहाँ है। लेकिन जब वास्तविकता आती है तब सारी पार्टियाँ हैं इसको ध्यान में रखती हैं, लेकिन हमने इसको शुरू से ही स्वीकारा। और आज जो है हर पार्टी किसको टिकट दिया जाए इससे पहले वो देखती है इसकी जाति क्या है और उस कॉन्स्टिट्यूशन की जातिगत रचना क्या है। तो ये जो मॉडल्स हैं ये तो अपना लिए, जो एक विकृत मॉडल था, घिनौना मॉडल था, लेकिन जो हमारा स्थिर पक्ष था उसका अभिनय की गई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम सारे के सारे ये बातें इनके प्रति सजग होते, इनको हमने महसूस किया होता जब ये घटनाएं घट रही थी, इनका विरोध किया होता, तो आज हरियाणा का जो शामिल पक्ष है वरना होकर के ज़्यादा ब्राइट फेस होता, बढ़िया चेहरा होता। तो ये बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।